आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रेलर जर्सी मूवी का, जो के बहुत ज्यादा वेटेड ट्रेलर था। हाँ, बिल्कुल, मतलब काफी ज्यादा इंतजार था इस मूवी का। और एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है। और स्टार कास्ट की पहले बात करेंगे तो इसमें है शाहिद कपूर, मृणाल ठाकुर, रोनित कामरा है और पंकज कपूर है। और अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्ट किया है इसको गौतम टीना पुरी ने। नहीं, टीना पुरी नहीं है, मौजम टीना नूरी है। टीना नूरी ने, सॉरी मुझे वो पी लगा, टीना नूरी ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें है अलू अरविंद है, सूर्या देवारा है, अमन गिल है और दिल राजू है। और वैसे ये रीमेक मूवी है, ऑलरेडी भी जर्सी मूवी बन चुकी हुई है, टेलीगो में आई थिंक बनी हुई है, जो की 2019 में आई थी। वेल गाइज, देख लेते हैं अभी ये ट्रेलर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। आज भी पे नहीं किया ना तो कट कर देंगे। किट्टू ने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा मुझसे। मुझे 500 रुपए चाहिए विद्या। वो जितना मांग रहा है उतनी कमाई है नहीं। मुझे पता है तुम्हारे अकाउंट में। पता है, ठीक है, नहीं देना मुझे। प्रैक्टिस के बाद किसी का बर्थडे गिफ्ट भी तो लेना है। सच में जर्सी खरीद के दोगे ना पापा? प्रॉमिस हो गया, देख लो। अब आप प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते, चांस ही नहीं है। पैसे चाहिए थे यार, उसने जर्सी मंगी है मुझसे, 500 दिए। अपने घर में अपनी बीवी से चोरी कर रहे हो तो हर रोज लगता है कि इससे ज्यादा नहीं गिर सकते तुम। बट यू प्रूव मी रॉन्ग एवरी सिंगल टाइम। ऐसे देखती हूँ ना तो सब लगता है कि मेरी वजह से हुआ। Are you listening to me? मेरी तरफ देखो at least. कभी एक बढ़िया क्रिकेट प्लेयर और अब एक लूजर। एक असिस्टेंट कोच की जगह खाली है क्लब में। वो ग्राउंड छोड़ गया सर। छोड़ा नहीं, भागा था तू वहां से। आखिरी बार खुश तभी देखा था मैंने तुझे। नूर न रुखते साबी न मुकते के अग बन गया। मैंने अपने पूरे करियर में तुझसे बेहतर बैट्समैन नहीं देखा। तेरी जगह तो टीम इंडिया में थी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो अब कुछ नहीं होने वाला। You had your chance and it's over now. मेरा सबसे बड़ा डर जानती है, जी मैं यूं ही रह गया ना तो वो भी मुझे वैसे ही देखेगा जैसे बाकी सब देखते हैं। उसकी नजरों में से एक कतरा भी कम मैं होण नहीं दूंगा विद्या। Time for you to decide. तुमको life में क्या चाहिए? And if you choose cricket, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इस ट्रेलर की बात की जाए तो वाकई एक जो है ना लाइफ जो एक बंदे की होती है, यानी कि स्ट्रगलिंग बंदे की होती है लाइफ, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है कि उसे क्या क्या चीज़ें और किस तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। वैसे मुझे शाहिद कपूर बहुत अच्छे लगे हैं। आई मीन लास्ट जो हम लोगों ने उनकी मूवी देखी है मौजम, वो देखी थी हम लोगों ने अर्जुन रेड्डी वाली। exactly. वो कपिल कपिल कह रहा कबीर सिंह, मैं कह रही हूँ अर्जुन रेड्डी, कपिल सिंह कहने लगा था। हम बिल्कुल, हम लोगों ने जो कबीर सिंह मूवी देखी थी, आई थिंक उसमें हम लोगों ने एक बिल्कुल ही डिफरेंट रोल देखा था, डिफरेंट कैरेक्टर। बट अगर मैं इस मूवी की बात करूं तो शाहिद कपूर की मुझे बड़ी अच्छी बात जो लगती है, जो अभी की मूवीज में हम आकर देखते हैं कि वो कम मूवीज में बेशक आते हैं बट बहुत डेडिकेटेड रोल उनके लगते हैं। जबकि इस मूवी के ट्रेलर में हमने थोड़ा सा जो भी एक ग्लिम्प्स देखी है, मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि जब शाहिद कपूर को यू नो पहले का टाइम का दिखाते हैं, यानी कि यंग एज का दिखाते हैं, तो वो वाकई में बिल्कुल उस टाइम पर यंग लग रहे होते हैं, डिफरेंट लुक लग रही होती है।
और अभी जैसे एक मैच्योर पर्सन और एक मैरिड लाइफ दिखा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन जो है वो बहुत अच्छे थे। एक हारा हुआ इंसान बेसिकली अभी तक के जो ट्रेलर में, हाँ। कोई रीजन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है कि उन्होंने क्रिकेट जो है वो खेलना छोड़ दिया। ये एक लेवल पे आके उनके साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ है कि उन्होंने जो है क्रिकेट से जो है वो स्टेप बैक कर लिया हुआ है। लेकिन वाकई में शायद कपूर की बात करूं तो जब वो बियर्ड में होते हैं ना तो वो एक मैच्योर पर्सन लगते हैं, लेकिन जब उनकी बियर्ड उतार दो ना तो वाकई वो बच्चा बच्चा जो होते हैं ना एक लुक, यानी कि यंगस्टर्स वाली लुक, वो वाली उनकी लुक आती है। क्योंकि बहुत सारी मूवीज में हमने उन्हें, यानी कि जो उनकी पुरानी मूवीज भी देखी तो उसमें भी यही है कि वो बियर्ड के बगैर वो बच्चे ही लगते हैं, लेकिन नो डाउट इस मूवी में भी वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे मैं शाहिद कपूर जो हैं इनके खास पर जो एनर्जी है ना, एक डांस में एनर्जी, फिर उसके बाद जो एक्टिंग करते हुए जो इनकी एनर्जी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे अगर हम शाहिद कपूर की बात करें तो मतलब जब उनका करियर स्टार्ट हुआ था तो बिल्कुल एक चॉकलेट बॉय जैसा उनका स्टार्ट हुआ था करियर, यानी कि बस वो लव स्टोरीज वाली हमें मूवीज देखने को मिलती थी। बट मैं कहती हूँ विद टाइम उन्होंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं और बड़ा मजा आता है उनकी मूवीज देखने का, और अब भी आ गए। बट हाँ, एक एक मूवी पद्मावत की मैं बात करूंगी, उसमें मुझे उतना ज्यादा मतलब उनका कैरेक्टर सूट मुझे नहीं लगा था कि राजा के तौर पर इतना ज्यादा किया था। बट उसके अलावा जैसे अभी रिसेंटली कबीर सिंह देखी है और अभी जर्सी मूवी है, तो मतलब कमाल के मुझे तो लगते हैं। मैं वैसे अगर पद्मावत मूवी की बात करूँ ना, मुझे वैसे उसमें इनका कैरेक्टर जो है वो राजा के रूप में अच्छा लगा था, लेकिन जो है ना उसमें एक चीज थी कि जो खलीजी का रोल था ना वो इतना ज्यादा डोमिनेंट कर दिया गया था कि कहीं ना कहीं जो एक राजा का रोल था ना वो थोड़ा नहीं बहुत दब गया था। नहीं मुझे वैसे ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, इसमें वो कोई बुरा बनाने वाली बात नहीं है, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि नो डाउट खिलजी का भी बड़ा एक डोमिनेटिंग रोल था, बट आई थिंक राजा का हम लोग जो पहले देखते आए ना, ज्यादातर हम लोग देखते हैं टॉल और इस तरह की हमारे जहन में वो ना चीजें छाप रहती हैं। बिल्कुल। बट करियर वाइज अगर बात करें तो उड़ता पंजाब में उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, फिर उसके बाद जब वी मेट हम कैसे भूल सकते हैं, कितनी कितनी मजे की वो मूवी है। फिर राजकुमार जो राजकुमार इनकी मूवी थी उसकी बात करें वो भी बहुत अच्छी। फिर बत्ती गुल मीटर डाउन कुछ इस तरह एक मूवी का नाम भी था इनका, जिसमें इनका श्रद्धा कपूर थी, वो मूवी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं वो वाली मूवी इनकी जब वी मेट, ये ऐसी दो मूवीज हैं जो मैंने बहुत बार देखी हुई हैं। अच्छा, और यहाँ पे मैं मरुनल की बात करना चाहूंगी, पता नहीं मैं उनका नाम सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, जब भी हम लोग बोलते हैं तो बहुत मतलब नीचे कमेंट सेक्शन में था कि आपने सही नाम नहीं लिया, आई होप कि इस टाइम में मैंने सही उनका नाम प्रोनाउंस कर लिया हो। और ये मैं मतलब जब ऐसे बोलते हैं, अभी रिसेंटली मैं बोलूंगी कि मुझे बहुत टाइम पहले उनका नहीं पता था उनकी मूवीज, लेकिन ये कि अब जो है काफी ज्यादा वो भी मूवीज में आ रही है और काफी अच्छी अच्छी मूवीज में आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट वाली मूवीज में मरुनल का, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हम लोगों ने उनका लास्ट हम लोगों ने ट्रेलर देखा था जो कार्तिक आर्यन के साथ जो मूवी आई है, मुझे उसका नाम भूल गया यार, बट वो धमाका, हाँ धमाका मूवी, उसमें हम लोगों ने उनका मतलब रोल देखा था। तो आई थिंक जो एक्टर्स है ना, मुझे लगता है कि अभी के टाइम में ना बड़े एक अच्छे वो एक्टिंग एक्टर सामने आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें हर मूवी में वो रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग सामने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है वो ज्यादा और मजा आता मूवी देखने। मुझे जो है ना एक मूवी में सबसे ज्यादा मजा आता है वो भाई स्क्रिप्ट कितनी अच्छी है वो, यानी कि समटाइम्स होता है कि आप मूवीज देख रहे थे ट्रेलर्स का आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो है ना जब वो मूवी आप देखते हैं ना तो आपको स्टार्टिंग में वो मजा नहीं आता जो आपको ट्रेलर देख के आता है, आप वहीं पे छोड़ देते हैं। तो मूवी में जो है ना मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है कि उसकी स्क्रिप्ट, उसकी एक्टिंग जो है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे मौसम पहले के टाइम में ऐसा होता था कि ना एक्टर्स की बेस पर ही सिर्फ मूवीज चला करती थी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे फैन फॉलोइंग ही रहते थे, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि ट्रेंड काफी ज्यादा चेंज होता जा रहा है। अब लोग देखते हैं कि एक्टिंग किसकी अच्छी है, स्क्रिप्ट रोल कितना मजे का, स्टोरी लाइन क्या है, ये सारी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं। और यहाँ पे मैं पंकज जी की भी बात करना चाहूंगी, मतलब फादर सन दोनों एक ही मूवी में है, पंकज जी बहुत फाइन एक्टर हैं, और मतलब मैंने वैसे बहुत ज्यादा मूवीज में नहीं, लेकिन ये जितनी भी मूवीज उनकी देखी है कमाल की वो एक्टिंग करते हैं। वैसे इस ट्रेलर में मुझे एक चीज जो समझ में आ रही है और वो ये
कि वो मतलब बाकी दुनिया शाहिद कपूर को क्या बोलती है उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो बट वो अपने बेटे की नजरों में ना उस तरह से नहीं रहना चाहते जिस तरह से लोग समझते हैं. तो ये चीज जो होती है ना, आई थिंक बड़ा एक इमोशनल एक आपका कनेक्शन रहता है यार. ये जो है ना, जहाँ पर जो पंकज कपूर जी ने उन्हें जो है कहा कि तुम स्टेडियम से खुद गए हो, तो वहां पे ना यानी कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ होगा, लेकिन जो है ना एक चीज है कि यहाँ पे ना एक मुझे शेर याद आ गया, दुनिया कब चुप रहती है कहने दे जो कहती है. ओ हो, वैसे अगर बात करें जो पहले मूवी जर्सी थी जो कि तेलुगु में थी, उसका बजट 36 करोड़ था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में उसने बिजनेस किया था 48 करोड़ का. तो अगर देखा जाए तो लोगों को, मैंने बड़ा सुना है इसके बारे में भाई कि लोगों को बहुत ज्यादा ये पसंद है. मैंने वैसे देखी नहीं है, आई एम श्योर मौजम ने भी नहीं देखी होगी, बट ये कि जब आप मूवीज देखते हो फिर उसके बाद सही पता चलता है जब दूसरी के आपको ज्यादा टेस्ट किसका आ रहा है, बट ये कि लोग इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है. मैं ये कहना चाहता कि मैंने पहले देखी होती ना, तो मैं सिर्फ आपको सारी स्टोरी बता रहा होता कि एंड पर क्या होना है. सारी स्टोरी तुमने बता दी, मैंने मूवी देख के क्या करना है. लेकिन जो है मूवी मुझे वैसे एक अच्छी लग रही है, एक आम मिडिल क्लास बंदा जो स्ट्रगल कर रहा था जिंदगी में, उस पे जो है ये मुझे जहां तक नजर आया बनाएगी. क्योंकि अगर हम बात करें ना जो लोग क्रिकेट के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा होती है, आपको एक प्रोमिनेंट फेस बनने तक बहुत लंबा सफर जो है वो तय करके यानी कि नेशनल टीम में पहुंचना पड़ता है. तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है वो एक ना एक स्टेप पर आकर वहीं पर रह जाते हैं, वहां से आगे बढ़ ही नहीं पाते. तो मुझे लगता है कि ये जो है ना लोगों के बहुत सारे जो है सवालों के जवाब देगी मूवी, जो खासतौर पर सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में, इसने तो मेहनत नहीं की, इसने तो कुछ नहीं किया, तो ये मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का जवाब देगी. और यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो टेलीगो मूवी के एक्टर है, आई थिंक उनका नाम नवीन बाबू मैं बोलूंगी भाई, उनका निक नेम मुझे नहीं पता किस नाम से उनको बुलाया जाता है. तो फिर उनकी परफॉर्मेंस इसमें इतनी पसंद की गई थी कि मतलब पिछले 10 सालों में जो बेस्ट 100 परफॉर्मेंसेस में उनका नाम आया था, मतलब कि इतनी लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस को पसंद किया था इस मूवी में. तो ओवरऑल मुझे लगता है कि भाई ये बड़ा मुश्किल होता है जब रीमेक बने और पहले मूवी इतनी सक्सेसफुल हो, एक्टर्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि दोबारा से, क्योंकि उनको भी इनके माइंड में ये चीज होती है कि उनको कंपेयर किया जाएगा, चाहे आप इस चीज को माने या ना माने, लेकिन लोग कहीं ना कहीं पर ना उस चीज को लेकर आएंगे, नहीं उन्होंने ज्यादा अच्छा किया था, नहीं ये भी अच्छे लग रहे हैं. तो आई थिंक ये एक्टर के लिए बड़ा एक मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स को हम लोगों ने जब इंटरव्यूज उनके सुने हैं तो उन्होंने कहा कि जब मूवी लगने वाली होती है तो हम या तो सो जाते हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं. अच्छा वैसे क्या नाम लेते हैं, हम जैसे लोग जो पहली बार ये देखेंगे वो तो ऑफकोर्स पसंद करेंगे, लेकिन जिन्होंने पहले वो वाली जर्सी देखी होगी ना, उन्हें ये जर्सी जो है जो वो देखेंगे तो उनके लिए जरा वो मुश्किलात होंगी, हमारे लिए जो है वो इतनी मुश्किलात नहीं होंगी. बट आप जरूर बताइएगा आप क्या रेकमेंड करते हैं, हमें पहले टेलीगो वाली जर्सी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, या पहले ये मूवी देखकर फिर वो वाली मूवी देखनी चाहिए, ये जरूर बताइए. मेरा ख्याल है कि पहले ये वाली देखना फिर वो देखनी चाहिए. बाकी लोगों से पूछ रही ना कि आप लोग हमें क्या रेकमेंड करते हैं, और आप में से किस किस ने जर्सी मूवी ऑलरेडी देखी हुई है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में. और इसी के साथ हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर. गुड बाय.